स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल टू द चैनल कॉमर्स वाले। हम लोग पढ़ रहे थे, आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, या आप बोल सकते हो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज TU, व्हाट इज MU, दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉ ऑफ DMU। नो व्हाट इज लॉ ऑफ DMU? DMU का फुल फॉर्म होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब होता है विच गोज ऑन डिक्लाइनिंग, जो घटते चला जाता है, राइट? मार्जिनल यूटिलिटी आप लोग जानते हैं क्या होता है, कि अगर आप एक सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितना एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये लॉ है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कोई भी लॉ लिखने से पहले आप ये जरूर लिखिएगा द लॉ ऑफ, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट DMU, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, मतलब जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी कंज्यूम करते रहते हैं, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटते चला जाता है। दिस इज लॉ ऑफ DMU। सो द लॉ ऑफ DMU स्टेट्स दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स more and more unit of the commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes on declining. Now, अब for example, अब गर्मी का सीजन है, आपको बहुत जोर से प्यास लगी है, जब आप पहला ग्लास पानी का पियोगे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरा ग्लास पानी का पियोगे उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तीसरा ग्लास पियोगे उससे कम मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका सेटिस्फैक्शन, आपका जो प्यास है वो कम होते चला जा रहा है, इसीलिए आपको सेटिस्फैक्शन कम मिलते चला जाएगा फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ DMU। तो लॉ ऑफ DMU का कुछ एजम्पशंस है, इकोनॉमिक्स बिना एजम्पशंस के तो यूजलेस है। तो सबसे पहला एजम्पशन जो है, दैट इज कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब है कि आपका जो DMU है या आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है, दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स, मींस 1 utils, 2 utils, 3 utils, 4 utils, उसमें आप लोग मेजर कर सकते हैं। दूसरा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। आप अगर प्यास लगी है तो आपको तुरंत पानी पीना है, अभी एक ग्लास पिए, फिर दूसरा ग्लास पिए, फिर तीसरा ग्लास पिए, तभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है। अभी प्यास लगी, आप अभी पी रहे हो, फिर 2 घंटे बाद प्यास लगेगी, फिर पियोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिल रहा है। दैट इज वाई देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन व्हेन यू आर कंज्यूमिंग द कमोडिटी। थर्ड इज योर रैशनल कंज्यूमर। ही और शी शुड बी अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर वो होता है कि जितना पैसा लगा रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। तो कोई भी कंज्यूमर है तो वो आपका रैशनल होना चाहिए। फोर्थ इज फिक्स्ड इनकम। ये अज्यूम करना है कि आपका इनकम फिक्स्ड है, आपका इनकम डिक्रीज या इंक्रीज नहीं हो रहा है। उसके बाद है देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। प्राइसेस में भी कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, प्राइसेस रिमेंस कांस्टेंट। 5 रुपया है तो 5 ही रुपया प्राइस है, 10 रुपया है तो 10 ही रुपया प्राइस है, प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। एजम्पशंस आप 4-5 कर लोगे तो बहुत है, अगर आप चाहो तो और भी होता है, लाइक एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए। आपको प्यास लगी है तो आप 1 चम्मच पानी पी के बोलोगे मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो आइए हम इसको समझते हैं शेड्यूल से। ये है हमारा शेड्यूल, सपोज यूनिट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक एक यूनिट बढ़ रहा है। टोटल यूटिलिटी हमेशा इंक्रीज होता है, जब आप पहला कप पी रहे हो आपको 20 utils का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जब दूसरा पी रहे हो 36 utils का मिल रहा है, तीसरा 46, 50, 50 एंड 44। आपको पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में कि जब आपका यूनिट्स इंक्रीज होता है, पहले TU इंक्रीज हो रहा होता है
कोई डिक्रीजिंग रेट में, फिर आपका मैक्सिमम जहां पे आ जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग. यहां पे भी वही चीज हो रहा है. अब आप मार्जिन लिक्विडिटी देखिए, पहला वाला तो सेम रहेगा 20, दूसरा वाला 36 माइनस 20 16, 46 माइनस 36 10, 50 माइनस 46 4, 50 माइनस 50 0, 44 माइनस 50 दैट इज माइनस 6. तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो घटता चला जा रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर वो नेगेटिव हो रहा है. तो ये वाला जो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है और आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटायरिटी. पॉइंट ऑफ सैटायरिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सैटायरिटी. अब ये किस ग्राफ में, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है. वाई एक्सिस में हमने बनाया मार्जिनल यूटिलिटी और एक्स एक्सिस में हमारा है यूनिट्स. ये आप देख रहे हो कि मार्जिनल यूटिलिटी इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग. हमने देखा था जीरो हुआ, फिर वो और फॉल कर गया. तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज mu इज इक्वल टू जीरो, जब आपका TU मैक्सिमम और कांस्टेंट होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटायरिटी, या बोल सकते हो सैचुरेशन पॉइंट. मतलब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड एज योर पॉइंट ऑफ सैटायरिटी. सो दिस इज ओनली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता चला जाएगा, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम होता चला जाएगा. दिस इज ओनली लॉ ऑफ DMU. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी एंड टू कमोडिटी केसेस. थैंक यू.